अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी, आज का टॉपिक है enablers.org, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगी, तो प्लीज वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जो है वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है जी। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली उनको जो है वो एक तो इनेबलर्स वाले फ्री कोर्सेज दे रहे होते हैं और एक जो होते हैं वो पेड कोर्सेज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेड कोर्सेज के अलावा जो है वो फ्री कोर्स किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो आज चले मैं आपको जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाती हूँ फ्री कोर्सेज की, ठीक है जी। ओके, ये देख लीजिए हाउ टू अप्लाई, ठीक है जी। ये हाउ टू अप्लाई आया है, हमने सबसे पहले गूगल पर जाकर हमने enablers.org/enabling-video-series लिखी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो गया है, ठीक है। देन हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से इसकी जो है वो हमारे पास पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। इसमें टेक्निकल स्किल्स है, इसमें लर्न फॉर एक्सपर्ट है, 2000 प्लस इनकम स्ट्रीम्स है। ये बहुत ही अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें 200 प्लस हमारे पास जो है इनकम स्ट्रीम्स हमारे पास दी जाती हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और जो है इसके बाद फ्री ग्लोबल एक्सेस दिया जाता है, ठीक है जी। चले जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से अप्लाई करते हैं फ्री कोर्स के लिए, ठीक है जी। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर जाएंगे अप्लाई नाउ पर। ओके जी, अप्लाई नाउ पर गए। ओके जी, ये चेक करिए, पेड कोर्स जो है हमारे पास $160 का है, ठीक है। पेड कोर्स हमारे पास $160 का है। माई सैलरी इज मोर देन ₹70K, जिसकी 70K से ज्यादा की सैलरी होती है, ठीक है, उसके लिए ये कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और जिसकी 70K से कम होती है, मतलब 70,000 से ज्यादा वाले ये कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और जो हाउस वाइफ है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी घर पर फ्री बैठे हैं, जिनकी जॉब नहीं है, जो जॉबलेस हैं, जो कुछ अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब जो भी हैं, सही है, जो इस पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो फ्री पर जा सकता है, ठीक है। माई सैलरी इज लेस देन 70K, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर, ये इसका ट्रेनिंग फॉर्म है, ठीक है। ओके जी, अब हमने फॉर्म में सबसे पहले हमने वीडियो सीरीज के बारे में लिख देना है, ठीक है। इनरोल फॉर ट्रेनिंग वीडियो सीरीज, ठीक है। इनेबलिंग वीडियो सीरीज, इसका शॉर्ट फॉर्म है EVS, ठीक है। इनेबलर का ई, वीडियोस का वी और एस का सीरीज, ठीक है। सीरीज का एस। ओके जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। जैसे मेरा नाम है, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया राहिमा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। माय फादर नेम, फादर नेम तो नहीं है, मैं अपने हस्बैंड का नेम लिख दूंगी, ठीक है, सही। अब ये हमारा यहाँ पर जैसे आ गया CNIC। अब इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट हमारा ये होगा, क्या हमने CNIC भी देना होगा, और अगर CNIC ना भी हो तो हमें जो है वो हमें बे फॉर्म देना पड़ता है, ठीक है। बे फॉर्म अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बे फॉर्म दे सकते हैं, वरना अगर CNIC आपके पास अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल हो सकता है जो आपके पास, आप उसका नंबर उसके अंदर पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद CNIC का नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, सही है। CNIC का नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया, जेंडर हमने सिलेक्ट कर लिया है, जेंडर हमारी क्या है, मेल है, फीमेल है। इसके बाद आपने अपना व्हाट्सएप नंबर या कोई भी फोन नंबर जो आप इजीली यूज करते हो घर में, ठीक है,
वो आप अपना फोन नंबर उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, ठीक है, जिस पर ईमेल एड्रेस हमारा वो होना चाहिए जो एक्सेस हमारा, जिस पर हमें एक्सेस मिलेगी, ठीक है, जो हमारा जो है वो हम यूज कर रहे हो डेली यूजेज पर, हमारा जो ईमेल एड्रेस हो हम वही जो है ना वो उसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है जी। तो ये है कि हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देंगे। इसके बाद ठीक है जी, ईमेल एड्रेस ये है, कंफर्म ईमेल एड्रेस मेरा ये रहा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे सही है, जो आप लोगों का ईमेल एड्रेस है। उसके बाद ये कंट्री है, कंट्री पाकिस्तान, सिटी हमारा कराची, जैसे मैं कराची से हूँ तो मैं कराची लिखूंगी, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम यू हर्ड अबाउट इनेबल्स, ठीक है, इसके बारे में जो है अगर आपने सोशल मीडिया पर देखा है, फेसबुक पर देखा है, प्रिंटिंग मीडिया देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से सुना है या कुलीग से सुना है, जो भी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। जैसे मैंने सुना है, मैंने सोशल मीडिया सुना है, ठीक है, तो मैं सोशल मीडिया लिख दूंगी। ओके जी, अब आया फेसबुक लिंक, ठीक है, एंटर योर फेसबुक लिंक। आप फेसबुक पर अपने जाते हैं, जो भी आपका फेसबुक है, ठीक है, आप उस पर जाकर अपना लिंक तो सबको कॉपी करना आता है, ठीक है, राइट। उसके बाद हमने वहां से कॉपी किया, यहाँ पर अपना लिंक अपलोड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर CNIC और पे फॉर्म जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ठीक है, फॉर्मेट हमारा क्या था, अगर CNIC है तो CNIC हमने सिलेक्ट किया, अगर पे फॉर्म है तो पे फॉर्म सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर पे फॉर्म का नंबर आ जाएगा, सही है, और यहाँ पर पे फॉर्म का जैसे हमने फॉर्मेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। देन इसी तरह हमने यहाँ पर जो है वो पे फॉर्म अगर सर्च किया होगा, सॉरी सिलेक्ट किया होगा, तो पे फॉर्म का हम यहाँ पर जो है वो पिक्चर सेंड पुट करेंगे, ठीक है, और अगर हमने CNIC किया होगा तो हम यहाँ पर CNIC की पिक्चर फ्रंट और बैक, ठीक है, फ्रंट और बैक, ठीक है, इसके अंदर दोनों लिखा हुआ है, फ्रंट साइड और यहाँ पर इसके जो है लिखा हुआ होगा बैक साइड, सॉरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड, ओके ओके जी। अच्छा, इसके बाद ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल वगैरह आप लोगों ने अपना यहाँ पर पुट, सॉरी बैक साइड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, फ्रंट साइड आपने देना होगा, सही है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, उसकी जो है ना कॉपी आपने देनी होगी, ठीक है, उसकी कॉपी आपने यहाँ पर उसकी फाइल पुट करनी होगी, ठीक है, लाइक पिक्चर आपने खींच ली। उसके बाद कुछ MBs की यहाँ पर पिक्चर देनी होती है, जैसे ये बोल रहे हैं कि 1 MB की मैक्सिमम साइज उसका होना चाहिए, फोटो साइज 1 MB, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी यही है 1 MB, इसी तरह यहाँ पर भी यही है 1 MB, ठीक है। इसके बाद सैलरी स्लिप, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, बैंक स्टेटमेंट एंड स्टूडेंट ID कार्ड, ठीक है, अगर आप जॉब वाले हो तो ये है कि सैलरी स्लिप दो, कॉन्ट्रैक्ट लेटर दो, बैंक स्टेटमेंट दो, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है स्टूडेंट ID कार्ड अगर आप स्टूडेंट हो तो, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ, मैंने जैसे अप्लाई किया था, तो उनका ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक वाइट ब्लैंक पेपर पर आप ये लिख दे, देन I am हाउसवाइफ, ठीक है, ओनली सिर्फ यही चीज लिखनी है कि I am housewife, ठीक है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर सबमिट पर जाकर हमने सबमिट कर देना है, ठीक है, सबमिट कर दिया, क्योंकि मैंने सबमिट कर चुकी थी, इस वजह से मैं दोबारा नहीं करूंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज, कोई भी इस हवाले से आप लोगों ने मुझसे पूछना हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि किसे कोई चीज समझ ना आई हो, तो वो जो है मुझसे दोबारा से कमेंट सेक्शन में मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, ठीक है। बाकी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जो है मैं वीडियो सीरीज बताऊंगी, किस तरह से इसकी फ्री वीडियो सीरीज में आपको क्या क्या जो है वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसमें आप लोग जो है वो इनरोल कर सकते हो, या जो आपको जो है विदाउट इनरोलिंग या फ्री कोर्सेज में आपको अप्लाई किया जाता है, आप लोग ऐड हो जाते हो उसके अंदर, ठीक है।
तो ये है कि आज की वीडियो मेरी यहीं पर ही खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।